जो हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। बिल्डिंग तो बना दी साहब, कोई सबूत नहीं किस तरह की भी, ना कोई डॉक्टर है ना कोई मशीन है, और गरीब आदमी वहाँ पर जाता है तो उसको दवाई भी नहीं मिल सकती। मतलब ये है कि इन्होंने योगी जी ने ज्यादातर अब यहाँ संभल के लिए मंदिर है और उसमें ही ज्यादा खर्चा करा, पब्लिक पे कुछ खर्चा ना करा इन्होंने। ना होगा तो भाई जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, जो अच्छे काम करेगा आओ फिर आएगा। अब जो अब से 50 साल पहले था आज भी वही है संभल। आप युवा हैं, संभल के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब संभल में क्या युवाओं के लिए क्या बदलाव होना चाहिए? हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीते और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर चुका है कि जो हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो बिजली के कारखाने का नाम नहीं ले पाते। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हटाने का हमने संकल्प ले लिया है। और 2022 के अंदर आपको कैसे पता वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते? अरे आप उनसे सवाल कर लीजिए कि वो लैपटॉप चलाना जानते हैं नहीं जानते, बता दीजिए। उन्हें अभी लैपटॉप बांटने का वादा किया था कि सरकार का आधे से ज्यादा कामकाज डिजिटल है, तो डिजिटल तो लैपटॉप पे ही होता है। वो मैंने ये सवाल किया है आपसे, क्या वो खुद लैपटॉप चलाना जानते हैं? सवाल अधिकारियों का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री जी का है, क्या वो मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना जानते हैं? उन्हें वादा किया था कि हम जो है लैपटॉप बांटेंगे, वो अभी 4.5 साल जबकि उनकी सरकार गुजर गई तो बांटा क्या, टैबलेट बांटे, उन लैपटॉप नहीं बांटे। लैपटॉप जो बांटे थे वो अखिलेश जी ने बांटे थे, जिसको युवाओं ने उसका यूज़ भी किया। बताइए लैपटॉप चला के कितने नौजवान को रोज़गार मिला, किसी को नौकरी मिली, ये सारा काम अखिलेश यादव जी का कराया हुआ था। आप मुझे बता दीजिए योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल होने वाले हैं पूरे, काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने आम जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या काम किया, आप मुझे बता दीजिए। चाहे आप भर्ती की बात कर लीजिए, कितनी नौकरी थी सारी निरस्त हो गई, शिक्षा आज शिक्षक परेशान है, TET की परीक्षा हुई वो निरस्त कर दी। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी में जो खतरनाक है इन्हीं सरकार में होते हैं, भाजपा के दौर में, समाजवादी पार्टी में सबको नौकरी मिली, सबका सम्मान हुआ, सबका विकास हुआ, इसी को देखते हुए संभल की जनता ने तय कर लिया है। 5 साल से लगातार विधायक जी यहाँ से रहे थे, अब भी विधायक जी यहाँ से चुन के जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार किसको लाने की सोच रहे हैं? पिछले 25 सालों से सपा की सरकार है, या कोई बदलाव चाहते हैं? जब बदलाव होगा तो भाई जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, जो अच्छे काम करेगा आओ फिर आएगा। हमने इन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया ऐसा संभल के अंदर, समझ लीजिए आप 25 साल के अंदर कोई बता दें कोई काम ऐसा कहीं आओ। महंगाई आसमान छू रही है, समझे नहीं, हर चीज़ पे आग बरस रही है, कोई सी चीज़ देख लीजिए आप, गरीब आदमी क्या कर सकता, मजदूर आदमी इसमें मजदूर परेशान है। बदलाव करना चाह रहे हैं, अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो किसे, कांग्रेस को देखेंगे या फिर BJP को? नहीं, हम अंग्रेज को देखना चाहते हैं। कोई भी सही आएगा जो अच्छा काम करेगा। अखिलेश यादव जी बताएं। मतलब यह है कि इन्होंने योगी जी ने ज्यादातर अब यहाँ संभल के लिए मंदिर है और उसमें ही ज्यादा खर्चा करा, पब्लिक पे कुछ खर्चा ना करा इन्होंने, और ना हमें कभी देखा इन्होंने, पब्लिक से कोई फायदा नहीं है कि तमाम सड़कों पे गड्ढे हैं और ये तमाम दुनिया आदमी निकल ना सकता सही तरीके से निकले, इसलिए हम ये चाह रहा है कि आपकी सरकार अखिलेश की आनी चाहिए। किन किन मुद्दों पे इस बार यहाँ की जनता वोट कर रही है, किन मुद्दों पे, क्या मुद्दे हैं? शहरी कोई तरक्की नहीं है, सब मजदूर स्थल के लोग रहते हैं, शहर में कोई भी इस तरह का वो नहीं है जिससे कोई मजदूर स्थल पर लग सके, कहीं कारोबार की फैक्ट्री कोई चीज़ तरह का निर्माण हो चुके, हर चीज़ पर महंगाई है, कोई हॉस्पिटल में या किसी चीज़ में सुधार नहीं है, किसी चीज़ पर सुधार नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब मजदूर स्थल के आदमी हैं, कोई भी किसी तरीके से कोई निर्माण नहीं है शहर के अंदर, कोई विकास नहीं है, कोई भी सरकार आई लेकिन उस तरह से लोगों के लिए काम नहीं है, हर तरह से यहाँ मजदूर आदमी है, रिक्शा चालक और मजदूर किस्म के लोग यहाँ काम करते हैं, सरकार ने अभी तक किसी मजदूर की तरफ नहीं सोचा कि कोई काम कर सके। बस जितने का हर सिलेंडर लेना इतने पैसे देना पड़ना, ये बताइए उसमें क्या फ़ायदा हो गया? अब हॉस्पिटल देख लीजिए यहाँ पर आप संभल में, बिल्डिंग तो बना दी साहब, कोई सबूत नहीं किस तरह की भी, ना कोई डॉक्टर है ना कोई मशीन है, और गरीब आदमी वहाँ पर जाता है तो उसको दवाई भी नहीं मिल सकती, डॉक्टर तक नहीं मिलते वहाँ पर, समझ लीजिए आप। संभल जिले में कुछ रहा है, खाली नाम है बस, वरना कुछ रहा है यहाँ पे। किसकी तरफ सरकार जा रही है, किसकी तरफ जनता का रुझान? किस में अभी है तो किसी ने काम ही ना करा,
ऐसा काम नहीं किया है, कोई बता ना सकता संभल के अंदर कोई काम हो वहाँ किसी ने भी, कुछ विकास नहीं है यहाँ पर, कुछ काम नहीं कराया 5 साल की सरकार, कुछ सरकारी काम कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं है ना कोई काम धंधा, सब मजदूर आदि परेशान है सारा, सब प्रकार पड़े कोई काम सारा, मतलब जिस दिन से आप यहाँ की ट्रेन देख लो आप, कोई काम रोडवेज आज कोई काम नहीं हुआ धंधा कुछ भी, बस खाली राशन। इस बार नई प्रत्याशी आई है, महिला प्रत्याशी कांग्रेस की जो निदा अहमद है, उनसे किसी संभल को क्या उम्मीदें हैं? निदा अहमद एक यंग लेडी हैं और वो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, और वो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो जीतती हैं यहाँ संभल से तो वो विकास कराएंगी, और एक तरफ मेंबर शकील भी हैं वो भी, लेकिन लोग हमदर्द हैं, वो गरीबों के बहुत ज़्यादा मसीहा हैं, वो बिना मतलब वो अगर विकास बिना अपने पास भी कर सकते इतना दम रखते हैं मेंबर शकील, और आप देखते हैं जो जीतता है पहले की जो 5 साल यहाँ पर रही है MLA तो कुछ हुआ नहीं है विकास, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा, 25 साल की छोड़िए अब के 5 साल में जैसे कहा था कि आपके जीत जाएंगे तो करेंगे विकास, अब देखते हैं युवा जो है आपके जो युवा हैं वो लोग पढ़े लिखे हो गए, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब वो खुद अपना आप जानते हैं वो ग्रेजुएट लोगों को ही आगे लाएंगे आपके जो चुनेंगे तो विकास होगा, अब देखते हैं आगे जो जीतता है, तो हम चाहते हैं कि ग्रेजुएट आदमी हो और पढ़ा लिखा आदमी हो तो विकास करेगा, क्योंकि वो बोलना जानता है, और जब पार्लियामेंट में बैठेगा तो जब भी तो बोलेगा पढ़ा लिखा होगा, और जब पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा, आप बताएं मुझे। पिछले 25 सालों में अगर पिछले 6 बार से सपा की तरफ से कोई काम नहीं किया गया तो वोट किस आधार पे दिया यहाँ की जनता ने? ये तो बात है, वो एक सियासत थी और जो है लोग जो है यही उम्मीद लगाए हुए थे कि आगे भी वो जो है कोशिश करें कि जीतेंगे तो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो गरीब है, गरीबी माहौल है यहाँ का संभल का, और सब हैंडीक्राफ्ट पे जो है जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि अगर आगे कोई आए तो उनको डर लेता था कि आगे पता नहीं कौन से कोई आएगा तो क्या करेगा, क्या कैसे होएगा, तो इसी को लेके लोग यहाँ वोट दे रहे थे, लेकिन अब सब समझ गए हैं और ग्रेजुएट हो गए हैं और समझदार हो गए हैं, वो लोग अब आगे खुद करना जानते हैं और चुनना जानते हैं नेता को। अच्छा संभल आज भी पीछे है, अब जो अब से 50 साल पहले था आज भी वही है संभल, ठीक है। अच्छा संभल में किन दो पार्टियों में कड़ी टक्कर देख रही है जनता यहाँ पे? सिर्फ टक्कर यहाँ पर दो में है, बीजेपी और सपा में। है संभल में समाजवादी में और बीजेपी में जी। बीजेपी के प्रत्याशी से क्या क्या उम्मीदें हैं यहाँ लोगों को? देखिए तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन प्रत्याशी क्या काम कर रहा है, ठीक है। संभल के अंदर बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया और नहीं समाजवादी के नेता ने किसी ने काम कराया, लगभग 30 साल से नेता है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ समाजवादी की सरकार में नहीं बीजेपी की सरकार में, आज भी संभल वही है जो 50 साल पहले था, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे, हम यही चाहते हैं विकास हो पे, कोई ऐसा नेता आवे यहाँ पे युवा नेता जो पढ़ा लिखा हो, जो हमारे बारे में सोचो, हमारे संभल में विकास हो गए।